हेलो दोस्तों, ये रहा मेरा लेनोवो का K8 प्लस। और कल का वीडियो में मैं बताया था कि इसमें ऑडियो का अपडेट आ चुका है OTA के थ्रू, तो आज मैं इसका अपडेट आपके सामने लाइव करूंगा और ये भी दिखाऊंगा कि इसमें इनिशियल चेंजेस क्या क्या आया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, जो अपडेट आया था जहाँ पर जो नया वर्जन आप देख सकते हो, तो मैंने इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। लगभग 1336 MB का इसका फाइल साइज है। आपको इसको डाउनलोड करना होगा, उसके बाद इसको इंस्टॉल करना होगा। लेकिन इसको अपडेट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। पहला है कि अगर आपको अपडेट नहीं मिल रहा है या फिर इंस्टॉल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले कोई भी वाईफाई से कनेक्टेड हो जाइए, उसके बाद इस फाइल को डाउनलोड कीजिए। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ये मोबाइल के डेटा से ये डाउनलोड नहीं होता है, आपको वाईफाई से कनेक्टेड होना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको वाईफाई से कनेक्टेड होना है, उसके बाद आपको लगभग 1336 MB का जो फाइल है उसको आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला है कि आपका जो बैटरी है वो लगभग 50% से आसपास होना चाहिए, क्योंकि अगर कम बैटरी होगा तो अगर बीच में ही ये फ़ोन शट डाउन हो गया तो काफ़ी प्रॉब्लम में आप पड़ सकते हो। तो पहले आप फ़ोन को चार्ज कर लीजिए, उसके बाद ही इसको अपडेट कीजिए। और एक चीज़, जब भी आपका फ़ोन अपडेट होगा तब फ़ोन के साथ कोई भी छेड़खानी मत कीजिए, फ़ोन को फोर्स स्टॉप मत कीजिए, या फिर जो सिम ट्रे है या फिर SD कार्ड है वो निकालने की कोशिश मत कीजिए। इससे आपका फ़ोन के साथ कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। जितना टाइम ये लेगा उतना टाइम ही इसको लगने दीजिए, उसके बाद ही ये आराम से अपडेट हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पर जो इंस्टॉल टाइम दिखा रहा है वो लगभग 30 मिनट्स का है। तो चलिए देख लेते हैं कितने टाइम में मेरा ये अपडेट हो जाता है। तो मैं अभी इसका तो टाइम अभी देख लेता हूँ कितना बज रहा है। तो देखिए, यहाँ पर 11:23 बज रहा है और अभी मैं इसको इंस्टॉल करूँगा और देखूँगा कि कितने टाइम में ये इंस्टॉल हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर जो इंस्टॉल बटन दिखा रहा है इसको मैं टैप कर देता हूँ। और देखिए, ये अभी रिस्टार्ट लेगा 8 सेकेंड में और उसके बाद ये अपने आप अपडेट ले लेगा। आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं करना है। अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि अपडेट के बाद ये फ़ोन कैसा लगता है। तो देखिए, यहाँ पर प्रिपरेशन हो रहा है अपडेट का। ओके, अभी जो अपडेट है वो कंप्लीट हो चुका है। और देखिए, अभी 11:44 बज रहा है और हमने स्टार्ट किया था 11:23 से, तो लगभग 20 मिनट का हमको टाइम लग गया इसको पूरा का पूरा अपडेट होने में। तो सबसे पहले हम जाते हैं सेटिंग में और देख लेते हैं अबाउट फोन में हमको क्या चेंजेस आया है। तो पहला ही चेंज आप देख सकते हो, जो सेटिंग मेनू है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो चलिए हम पहले सिस्टम में जाते हैं, उसके बाद जाते हैं सिस्टम अपडेट्स में और देखिए यहाँ पर जो अपडेट है वो आपको दिखाई देगा। देखिए, यहाँ पर दिख रहा है कि जो अपडेट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम अबाउट फोन में जाके देख लेते हैं जो एंड्रॉयड वर्जन है वो क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो अपडेट आया है वो मोटोरोला की तरफ से आया है और यहाँ पर आप मोटोरोला का जो लोगो है वो आप देख सकते हो। उसके बाद हम जाते हैं अबाउट फोन में और देखिए यहाँ पर जो वर्जन है यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आप कर्नल वर्जन, बिल्ड नंबर आप देख सकते हो और देखिए जो एंड्रॉयड वर्जन है वो है 8.0.0। तो अगर हम इसमें टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर जो ऑडियो है यहाँ पर दिखाई देगा और इसको अगर दबा के रखेंगे तो जो ऑक्टोपास है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ये देख सकते हो आप, ऑक्टोपास अभी स्टार्ट हो चुका है। और क्या क्या चेंजेस अभी मुझे इनिशियल में दिख रहा है, तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन पैनल है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले ब्लैक कलर का आता था तो अभी व्हाइट कलर का आ रहा है और जो सेटिंग मेनू है वो भी चेंज हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो कैसे काम कर रहा है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी जैसा पहले था ऐसे ही काम कर रहा है, ज़्यादा फास्ट भी नहीं है और ज़्यादा स्लो भी नहीं है। और जो आइकॉन्स आप देख सकते हैं, कुछ आइकॉन्स यहाँ पर जो स्टॉक आइकॉन्स था वो चेंज हो चुका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। लेकिन इसमें कोई भी नया एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल करके नहीं दिया गया है, जो पहले ही एप्लीकेशन था वही इसमें आप देख सकते हो। जो माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन है वो सारा का सारा मैंने डिसेबल कर दिया है, तो यहाँ पर आप वो नहीं देख सकते। तो चलिए देख लेते हैं फाइल मैनेजर कैसा लग रहा है अभी। तो फाइल मैनेजर बिल्कुल सेम टू सेम है और देखिए यहाँ पर फाइल मैनेजर के साथ साथ फाइल्स नाम का एक एप्लीकेशन यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका जो फाइल्स है यहाँ पर शो होगा। तो बेसिकली ये जो स्टॉक एंड्रॉयड में जो फाइल्स होता है वही इसमें दिया गया है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली ये फाइल मैनेजर आपको सेटिंग में देखने को मिलता है स्टोरेज में, तो ये अभी आपको अलग से ये एप्लीकेशन में आपको दिया गया है।
और देखिए जो कॉलिंग स्क्रीन है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, बिल्कुल नया कलर में ये आपको दिखाई देगा। अभी मैं इस कलर को डिफॉल्ट रेड कलर किया हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर रेड कलर दिखाई दे रहा है। आप कोई भी कलर चूज करेंगे तो आपको वो कलर दिखने को आपको मिलेगा यहाँ पर। कैमरा की बात कर लेते हैं तो कैमरा का जो इंटरफेस है बिल्कुल सेम टू सेम है पिछले फ़ोन की तरह भी, और जो डेप्थ एनाबल मोड है वो भी बिल्कुल सेम यहाँ पर दिया गया है। तो मैं कैमरा को टेस्ट करूँगा, उसके बाद मैं आपको दिखा दूँगा कि कैमरा में आपको क्या क्या चेंजेस आया है। चलिए देख लेते हैं बैटरी सेटिंग कैसा दिया गया है। तो बैटरी सेटिंग भी बिल्कुल चेंज करके आपको दिया गया है, नया लुक में यहाँ पर आप देख सकते हो बैटरी सेटिंग। और यहाँ पर जो एडेप्टिव ब्राइटनेस है यहाँ पर दिया गया है। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि जब भी आप लॉक स्क्रीन को अनलॉक करते हैं तो कुछ इस टाइप का ये यहाँ पर कोई भी स्क्रीन नहीं आता है, तो आप ही देख सकते हो कि स्क्रीन आ रहा है ठीक से ही, कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, देखिए कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ओके, अभी मैं इस फ़ोन को यूज़ करूँगा और इसका परफॉर्मेंस देखूँगा, इसका बैटरी बैकअप कैसा है वो भी देखूँगा, और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मैं इसका एक और सेपरेट वीडियो बना दूँगा। आपको कैसा लगा ये अपडेट आप ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हो, और मैं कोशिश करूँगा कि आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ मैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाई।